दोस्तों टॉप लाइन 22 का जो चैनल है, टॉप चैनल और बॉटम चैनल, उसको कैसे लगाना चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर की चैनल जो है इस तरीके से टॉप के ऊपर से हमें लगनी है, और जो स्क्रू है वो ऊपर से ही हमें लगाना है। और जो स्क्रू है उसको फिक्स करने के लिए वो पहला स्क्रू 50 mm पे लगना चाहिए, उसके बाद फिर आपका दूसरा स्क्रू 300 mm पे लगना चाहिए। सिंपल सी बात है कि आपको जो स्क्रू इस हिसाब से लगाने चाहिए कि वो वेट की वजह से चैनल किसी भी तरीके से झुके ना, और प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग अच्छे तरीके से मजबूती के साथ टॉप के ऊपर फिक्स हो जाए। फिर हमारा बॉटम चैनल जिसको ST-B 12 बोलते हैं, इसमें दो प्रकार की चैनल लगती है नीचे, जिसको ST-B बोला जाता है। आप चैनल कह भी सकते हो कि बॉटम चैनल कह सकते हो, लेकिन जो चैनल है ये बॉटम चैनल ST-B 12, ये आपने देखा भी होगा, ये स्क्रू यहाँ पे किया हुआ है, होल किया हुआ है स्क्रू लगाने के लिए। तो इसको इस तरीके से हमें जो स्केटिंग है वहां पे हमें इस तरीके से इसको बॉटम के नीचे से इस तरीके से हमें लगानी है, और सामने से स्क्रू यहाँ पे जो होल है यहाँ पे मैं सामने से स्क्रू डाल दूंगा, ये फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को ये पूरा लगाना है। दोस्तों टॉप लाइन 22 के अंदर साइलेंट क्लोजिंग सिस्टम भी आता है, यानी साइलेंट सिस्टम भी आप लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसको लगाएं, आप नॉन साइलेंट भी, मतलब विदाउट साइलेंट सिस्टम भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपको विदाउट साइलेंट सिस्टम करना है तो फिर आपको कोई होल चैनल में करना ही नहीं पड़ेगा, और अगर आपको साइलेंट सिस्टम लगाना है तो इस तरीके से ये लूज पार्ट में आता है। और इसको लगाने का तरीका ये होगा कि ये जो पार्ट है, यहाँ पे होल है, इसके अंदर मैं ऐसे रखूंगा और ऊपर से मैं स्क्रू डाल दूंगा ऐसे। ये मैंने दोनों इसके ब्रैकेट लगा दिए, और जाहिर सी बात है कि इसका ये जो डिस्टेंस है ये 230 mm रहेगा, तो इसको तो कोई भी आदमी चेंज नहीं कर सकता। और चैनल के अंदर जो होल करने हैं वो इस हिसाब से करने हैं कि जो मेरे लिए जरूरी है, विशेष ध्यान रखना है हमें, वो ये रखना है कि हमें यहाँ से लेकर के और जो ये होल है, हाइट कह सकते हो आप, हाइट के अंदर जो होल होगा वो आपका 35 mm पे होगा। 35 ये पहला होल जो भी आएगा, ये जो मोटाई होती है कैबिनेट की उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इसका कोई साइज नहीं है मेरे पास में फिक्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैबिनेट साइड पैनल थिकनेस, यानी आपको ओवरले कितना करना है कैबिनेट को, उसके हिसाब से ये वेरी करता है, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन एक होल से जो दूसरा होल है ये आपका 230 mm ही रहेगा। और मैं इस तरीके से इसको यहाँ पे लगा दूंगा, इस तरीके से पीछे की तरफ से सामने में मैं, तो साइलेंट सिस्टम को इधर फिक्स कर दिया है। और फिक्स होने के बाद क्या होगा कि इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये इस तरीके से ये मैंने हाथ से कर दिया, ये साइलेंट है। और जब ये सकल वापस जाएगा तो ये वापस चला जाएगा। अब आपको स्क्रू का जो हेड है वो चैनल के फ्लश करना है, चैनल से बाहर नहीं आना चाहिए। ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि स्क्रू का जो हेड है वो चैनल से बाहर नहीं आए, अदरवाइज तो आवाज भी करेगा, व्हील को भी खराब करेगा। तो दोस्तों अब हम फिटिंग लगाने की बात करते हैं ऊपर की। तो हमें क्या करना है, और एक बात ध्यान रखना हमें कि चाहे शटर एल्युमिनियम फ्रेम हो या लकड़ी का हो, कुछ भी हो मटेरियल, हमें फिटिंग का लगाने का तरीका एक ही रहेगा। चाहे 2 डोर हो चाहे 3 डोर हो तो भी एक ही तरीका रहेगा। यानी अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वही तरीका हमें एल्युमिनियम और वुड के लिए भी सेम है, 2 डोर और 3 डोर के लिए भी सेम है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक निशान लगाना है यहाँ पे, जैसे मैंने लगाया ये 11.2 है एग्जैक्ट, 11.2 हाइट में, और साइड से ये 44 mm है, यानी 11.2 mm और 44 mm, यहां से 44 और ऊपर से 11। कैसे निशान लगाएंगे, ऐसे में भी और ऐसे में भी, तो जो भी जहां पे भी क्रॉस करेगा या काटेगा दोनों निशान मिलेंगे, यहां पे मिलेगा तो पहला होल मेरा यहां पे आ गया, इसका सेंटर, स्क्रू का सेंटर यहां पे आ गया। और इसी लाइन के ऊपर मैं इसको रख लूंगा, और रखने के बाद बाकी के स्क्रू लगा दूंगा, जैसे मैंने 2 स्क्रू लगाए हैं अभी, बाकी के भी अभी लगा दूंगा मैं। ये 11 mm की लाइन आगे तक चली जाएगी और ये 44 mm की, और जहां पे भी ये दोनों रखे जाएंगे उस हिसाब से मैं बाकी के स्क्रू इसमें लगा दूंगा। स्क्रू मुझे सारे लगाने पड़ेंगे ताकि मेरी फिटिंग प्रॉपरली चले। दोस्तों ये नीचे की फिटिंग है, और नीचे की फिटिंग के लिए हमें क्या करना है, जो जरूरी है वो ये रहेगा कि आपको बॉटम से 19 mm, मेरे लिए बहुत जरूरी है 19 mm पे, जो इसका सेंटर है होल का सेंटर है वो 19 mm पे आएगा। और साइड से कम से कम जो रखेंगे वो 85 mm पे इसका होल का सेंटर, प्लस ओवरले, यानी कैबिनेट की मोटाई कितनी है
कैबिनेट को कितना हमें कवर करना है जब दरवाजा बंद होगा। इसका होल सेंटर है, इसका व्हील का सेंटर है और ओवरले रहेगा। तो ये 85+105 आप मान के चलिए, अगर 20 mm है तो ये रहेगा इसका सेंटर, या फिटिंग का सेंटर ले लीजिए, एक ही बात है। दोस्तों ये बाहर के पल्ले की फिटिंग है, और जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो नीचे का दरवाजा रहेगा उसमें और बाहर के दरवाजे जो लगाने का, फिटिंग लगाने का तरीका सेम रहेगा। ऊपर से 11 mm है, 11.2, और साइड से 44 mm है। तो ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी 44 के ऊपर हमें रखनी है, और ये जैसा कि पहले उसमें दिखा बताया था नीचे के दरवाजे में, वैसे ही मैं 11 mm पे एक निशान लगा लूंगा, 44 mm पे जहां पे भी होगा वो पहला स्क्रू लगा करके मैं इसको लगा दूंगा। और ये मेरा एक्टिवेटर है साइलेंट सिस्टम के लिए, अगर ये साइलेंट सिस्टम नहीं लगाना तो मुझे इस पार्ट को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे ये इसी तरीके से लगा करके और इस होल के अंदर मैं मैच कर दूंगा, पूरा का पूरा ये मैच हो जाएगा और मैं स्क्रू डाल दूंगा। ये मैंने अभी इसको लगा दिया, और बाकी के भी जितने होल है वहां पे भी मैं स्क्रू लगाऊंगा, मैं बाद में लगा दूंगा। ये नीचे की फिटिंग है बाहर के दरवाजे की या तीसरे दरवाजे की, तो ये भी मेरे लिए 19 रहेगा, जो मैंने आपको नीचे के दरवाजे में बताया था आपको 19 mm 19 mm पे होल का सेंटर, और साइड से भी ये 85+ ओवरले ही रहेगा, 85+ ओवरले यानी कैबिनेट की मोटाई के हिसाब से रहेगा। तो इसमें तो अगर ये 85 कैटलॉग के हिसाब से आप इसको ज्यादा भी कर देंगे 5 mm 10 mm तो भी कोई खास विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे कम नहीं कर सकते आप, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपको जो मैं बता रहा था कि ये ध्यान रखना कि ये फिटिंग थोड़ा सा पल्ले के नीचे से निकलेगी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 19 mm के ऊपर ही स्क्रू को डालना है। तो इस तरीके से मैं दो दरवाजे हो या तीन दरवाजे हो उनकी फिटिंग इसी तरीके से लगाऊंगा। दोस्तों दरवाजे को लगाना है, मैंने फिटिंग ये लगा ली है ऊपर नीचे की दोनों दरवाजों की, और कैसे अभी लगाना है वो पहले मैं नीचे के ट्रैक में इस तरीके से मैं लगाऊंगा, ये मैंने लगा दिया, डाल दिया इसके अंदर, आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके जाऊंगा और इस ट्रैक में रख दूंगा। इस ये जो दो स्लॉट बने हुए हैं, जो अंदर का दरवाजा है वो बाहर के स्लॉट में आएगा, और जो अंदर का जो स्लॉट है उसमें बाहर का दरवाजा आएगा, इस तरीके से मैंने इसको रख दिया। और एक विशेष बात है कि आपको ट्रैक को बिल्कुल क्लीन करना है, इसके अंदर कोई धूल मिट्टी या कुछ भी ना रहे, प्रॉपरली क्लीन रहे। और साथ में ये जो लॉक है, जो लॉक है अंदर से मैं दिखा देता हूँ, ये येलो कलर का पीले कलर का, इसको भी अभी ये सीधा नहीं है टेढ़ा है, लेकिन मैं जब इसको लॉक करूंगा तो ये इस तरीके से लॉक हो जाएगा। आपको जब दरवाजा फाइनल होगा तो ये लॉक इसी तरीके से इस पोजीशन में आपको करना है, क्योंकि ये करने के बाद जब तक आप दरवाजे इस लॉक को वापस अगर निकालना है दरवाजा, तो आपको वापस इसको करना पड़ेगा। दोस्तों ये बाहर का दरवाजा है, और मैं इसको भी आपके लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया नीचे से पहले। दोस्तों ये बाहर का जो दरवाजा है ये इस तरीके से इसमें रखा जाएगा, ये मैंने रख दिया और ये बिल्कुल स्मूथ है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉक है, जब आपका दरवाजा फाइनल हो जाएगा तो अभी ये लॉक पीछे की तरफ है, तो मुझे लॉक करना है, इसको करना भी पड़ेगा, ये इस तरीके से आगे की तरफ इसको पुश कर दूंगा, तो ये लॉक हो गया। अब इससे क्या होगा कि मेरा दरवाजा इसमें से चैनल में से किसी भी तरीके से नहीं निकलेगा जब तक कि मैं इसको वापिस नहीं करूंगा। मुझे दरवाजा उतारना है तो इस लॉक को पीछे करना है, और दरवाजा मुझे नहीं उतारना तो मुझे लॉक को आगे की तरफ करना है, दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट से। ये साइलेंट सिस्टम का एक्टिवेटर है, और मेरे को ये इस हिसाब से इसको इसके ऊपर रखना है, और आप इसके अंदर सेटिंग भी है पल्ले की मोटाई के हिसाब से, आप इसको आगे पीछे इस तरीके से कर सकते हो। ये साइलेंट सिस्टम लगा दिया, और साइलेंट सिस्टम लगाने के बाद मेरे दोनों दरवाजे स्मूथली साइलेंट सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, चाहे नीचे का दरवाजा हो चाहे ऊपर का दरवाजा हो, कोई आवाज नहीं है, साइलेंट सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है।